डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र जोड़ फ्रॉम सरदार सर। कल बच्चों हमने जो ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें हम सही ढंग से जो चीज़ें थी वो क्लियर नहीं कर पाए, कुछ बच्चों के पास आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसी चैप्टर को आज मैं दोबारा आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये जो कोरोना काल है इसमें जो क्लासेज हैं वो सही ढंग से नहीं लग रही, तो मैं छोटी क्लासेज मान लीजिए कि 10वीं 12वीं इनके लिए भी कुछ वीडियो क्लिप बनाना चाहता हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली मैं क्लास 12 के लिए तो बना रहा हूँ, बाकी सभी लोगों के लिए जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रीपोजिशन, वो सभी के लिए लागू होता है। तो कल जो बच्चों के सामने मैं चैप्टर लेके आया था वो अपना चैप्टर था प्रीपोजिशन। मैं चैप्टर का नाम दे देता हूँ, अपना जो चैप्टर था वो था प्रीपोजिशन। और जिस प्रीपोजिशन को मैंने आपके सामने दिया था वो प्रीपोजिशन था OF, आ, जो OF होता है इसका उच्चारण होता है आ। ज्यादातर बच्चे इसका उच्चारण ऑफ करते हैं, बट इसका उच्चारण ऑफ नहीं होता, इसका उच्चारण होता है आ। जो औ प्रीपोजिशन है इसका हिंदी अर्थ होता है का, के, की। यानी कि औ का जो यूज है वो प्रीपोजिशन के रूप में का, के रूप में भी होता है। बट सबसे पहले मैं जो अपना औ प्रीपोजिशन है इसका जो रूल नंबर एक लेता हूं आपके सामने, मैंने लिखा रूल नंबर वन, वो मैं लिखूंगा सोर्स, SORCE। सोर्स का मतलब क्या है? स्रोत, यानी कि कोई वस्तु की उत्पत्ति किस दूसरी वस्तु से हुई है, उस उत्पत्ति को नहीं ओरिजिन को या सोर्स को बताने के लिए अपन प्रीपोजिशन औ का यूज करते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर वन लिया मैंने, द टेबल इज मेड वुड। एग्जाम्पल मैंने दिया द टेबल इज मेड वुड। अब आपके सामने मैं चार ऑप्शन रखता हूं। पहला ऑप्शन मैंने रखा ओ एफ ऑ, दूसरा रखा ओ डबल एफ ओ, तीसरा रखा विथ, और चौथा मैंने दे दिया नन। समझना हमको ये है, मैंने ये कहा कि सोर्स या ओरिजिन बताने के लिए अपन प्रीपोजिशन औ का यूज करते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु इसमें टेबल, वो जो टेबल है वो किससे बनी? वुड, यानी लकड़ी से बनी है। तो टेबल है उसका सोर्स क्या हुआ? वुड हुआ। और इस टेबल का सोर्स बताने के लिए जिस प्रीपोजिशन को अपन काम में लेते हैं वो मेरे साथ है औ, इसमें यूज होगा औ का। कंफ्यूजन नहीं होना है, ओ एफ औ और ओ डबल एफ ऑफ दोनों में काफी डिफरेंस होता है। तो ये हुआ ओरिजिन या सोर्स बताने के लिए। एक एग्जांपल मैं और रख देता हूं, जैसे मैंने दो नंबर पे लिया माय शर्ट इज मेड कॉटन। माई शर्ट इज मेड कॉटन, मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरी जो शर्ट है वो कॉटन की बनी हुई है, यानी कि मेरी जो शर्ट है उसकी उत्पत्ति किसी भी कॉटन से है। तो ये इसका सोर्स हो गया, यानी इसकी ओरिजिन जो शर्ट है उसकी कॉटन से भी, और इस सोर्स को बताने के लिए अपन प्रीपोजिशन औ का यूज करते हैं। अब मैं आपको आगे इस सोर्स की अगर अपन बात करें तो इसको दो चीजों के लिए यूज में लिया जाता है, यानी कि वो डिफरेंस आपको मैं बताऊंगा। अगर मैं आपके सामने बताना चाहूं कि जो वर्ड मैंने लिखा सोर्स, SORCE, सोर्स बताने के लिए अपन दो प्रीपोजिशन यूज में ले सकते हैं, एक तो हो सकता है औ और दूसरा हो सकता है थ्रू। तो इन दोनों में अंतर करना भी बहुत जरूरी है कि सोर्स बताने के लिए फ्रॉम को कब यूज में लेते हैं और औ को कब यूज में लेते हैं। जैसे मैंने इधर एक वाक्य लिखा, एक एग्जांपल यहां लूंगा मैं और एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं। जैसे मैं हिंदी में अगर आपको लिखाना चाहूं, जैसे कि अगर मैं इस प्रकार बोलूं कि यदि दूसरी वस्तु बनने के बाद, यदि जैसे मैं लिखूं यदि दूसरी वस्तु
बदने के बाद मूल वस्तु दिखाई दे। यहाँ पे मैं लिखूंगा दिखाई न दे। सेंटेंस सही हुआ। ये कह रहा है कि यदि दूसरी वस्तु बनने के बाद मूल वस्तु दिखाई दे, और इसमें लिखा है कि दूसरी वस्तु बनने के बाद मूल वस्तु दिखाई न दे, इन दोनों चीजों को क्लियर अपन एग्जांपल के द्वारा करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने कि जो दूसरी वस्तु बनने के बाद मूल वस्तु है वो दिखाई देनी चाहिए। माई कैप इज मेड वूल, यानी कि मैंने कहा है कि उत्पत्ति बताने के लिए अपन अव और फ्रॉम दोनों को यूज में लेते हैं। अब मैंने इन दोनों का अंतर ये किया है कि दूसरी वस्तु बनने के बाद दूसरी वस्तु क्या बनी, जैसे कैप बनी, और किससे बनी, वूल से बनी। मैंने कहा कि मूल वस्तु दिखाई दे, अब जैसे कि कैप और वूल से बनी है तो कैप में जो ऊन है वो तो दिखाई देगी। अगर ऐसा सोर्स हो तो उसमें अपन यूज करते हैं अव का। अब बात चली फ्रॉम की, यानी कि फ्रॉम को कब अपन यूज में ले। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहां लिया, बटर इज मेड मिल्क। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, बटर इज मेड मिल्क, यानी कि बटर का जो सोर्स है वो उत्पत्ति का क्या है, मिल्क है, और मिल्क से बटर ने बनने के बाद बटर में मिल्क दिखाई नहीं देगा। तो ये मैंने कहा है कि यदि दूसरी वस्तु बनने के बाद मूल वस्तु दिखाई दे तो उत्पत्ति के लिए अव आता है, और दूसरी वस्तु दिखाई नहीं दे तो फ्रॉम आता है। जैसे कि वूल से कैप बनी तो कैप में वूल दिखाई दे रही है, तो इसमें हमने अव लिया। यानी कि मिल्क से बटर बना तो बटर में मिल्क दिखाई नहीं दे रहा है, इस कंडीशन में अपन यहाँ पे अव का यूज नहीं करके फ्रॉम का यूज करते हैं। यानी कि अव का यूज हमने कहा कि सोर्स के लिए, उत्पत्ति के लिए किया जाता है। इस सोर्स के लिए दूसरा एक प्रिपरेशन फ्रॉम भी आता है, यानी फ्रॉम और अव दोनों का यूज सोर्स बताने के लिए किया जाता है। अंतर ये होता है कि अगर जैसे इस वस्तु से ये वस्तु बनी, यानी कि जो अपनी वूल है, वूल से बना कैप, यानी कि ऊन से टोपी बनी, अब टोपी में ऊन दिखाई देगी, ऐसी उत्पत्ति है तो उसमें अव आता है। परंतु इसमें देखिए मिल्क से क्या बना, मिल्क से बना बटर, अब बटर है वो मिल्क दिखाई नहीं दे रहा बटर में, ऐसी कंडीशन में अपन किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। शायद आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं अब एक एग्जांपल लिखता हूं आगे, उसमें आपको ये तय करना है कि आप उसमें फ्रॉम का प्रयोग करेंगे या फिर अव का यूज करेंगे, यानी सोर्स के लिए। तो आपके सामने कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ जिसमें आपको देखना है कि अव आएगा या फ्रॉम आएगा। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, डाया इज, एग्जाम्पल देता हूं मैं, डाला इज मेड डॉट 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 वेजिटेबल ऑयल। अब मैं इसमें आपको पूछना चाहूंगा कि अव आएगा या फ्रॉम आएगा, आपको तय करना है। यानी मैंने कहा है कि डालडा इज मेड वेजिटेबल ऑयल, जो डालडा होता है वो घी होता है, और डालडा का सोर्स किससे हुआ, वनस्पति तेल से हुआ, यानी कि इसकी उत्पत्ति इससे हुई। अब आप ये सोचिए कि डालडा जो घी होता है उसमें वेजिटेबल ऑयल दिखाई देता है क्या, अगर दिखाई देता है तो उसमें अव आएगा, और दिखाई नहीं देता है तो उसमें फ्रॉम आएगा। तो मेरी नजर में आपने तय कर लिया होगा कि आंसर क्या होगा। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर होगा अव या फ्रॉम, अव होगा या फ्रॉम, अगर दिखाई नहीं देता है, इसमें क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, यानी कि अपन इसमें फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे एक वाक्य और लेता हूं मैं, एक सेंटेंस और देता हूं, आप सोचिएगा इसमें अव आएगा या फ्रॉम आएगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, माई सूज आर
मैड लेदर, लेदर बच्चों चमड़ा होता है और चमड़े से मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सूज। मैंने बताया कि ये जो सूज है वो किससे बने हैं, लेदर से बने हैं, यानी कि सूज का सोर्स उत्पत्ति का क्या है, लेदर है। अब ओरिजिन या सोर्स के लिए अपन औ भी यूज में लेते हैं और अपन फ्रॉम भी यूज में लेते हैं। अब आपको देखना है किसमें औ आएगा या फ्रॉम आएगा। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि आप इसमें औ का यूज करेंगे या इसमें आप फ्रॉम का यूज करेंगे। औ या फ्रॉम, अगर मूल वस्तु दिखाई दे रही है तो इसमें औ आएगा, नहीं दिखा रही है तो इसमें फ्रॉम आएगा। तो सूज में लेजर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आंसर होगा औ, यानी कि सूज में लेजर दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा औ। माय सूज आर मेड औ लेदर, कि मेरे जो जूते हैं वो चमड़े से बने हुए हैं। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल और देता हूं, आप समझिए क्या आएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, आइस इज मेड वॉटर। अब ऑप्शन देता हूं मैं आपको, आओ ऑफ फ्रॉम। अगर अपन बात करें आउ ऑफ फ्रॉम, सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं कि आइस इज मेड वॉटर। मैंने ये कहा कि जो बर्फ है वो किससे बनती है, पानी से बनती है। इसमें अब इस ऑफ का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो सेपरेशन दिखाता है, अलगाव दिखाता है। बात रही अब या फ्रॉम की, अब बताइए मुझे आइस में वॉटर दिखाई देता है नहीं देता है। आपका उत्तर होगा कि दिखाई नहीं देता है, और नहीं देता है तो इसमें आंसर क्या होगा, फ्रॉम होगा। जिसमें दिखाई देता है उसमें और जिसमें दिखाई नहीं देता उसमें फ्रॉम। शायद ये जो रूल है उसको आप अच्छी तरह से समझ गए कि अव का यूज सोर्स के लिए होता है, फ्रॉम का यूज सोर्स के लिए होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं अव का एक यूज और आपको बताता हूं, यानी कि रूल नंबर दो। मैंने लिखा कोच अव डेथ, कोच अव डेथ यानी कि मृत्यु का कारण बताने के लिए। जो अव है उसका यूज मृत्यु का कारण बताने के लिए भी किया जाता है, जैसे ही इज डाइड कैंसर, ही इज डाइड कैंसर। अब ये बता रहा है कि जो अमुक व्यक्ति है इसकी मृत्यु कैंसर से हुई, तो मैंने यही कहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बताने के लिए अव का यूज हो सकता है। कैंसर की जगह एड्स भी आ सकता है, कोलेरा भी आ सकता है, यानी जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों से किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो डाइड के बाद हमेशा अव आता है। अब मैं आपको और बताता हूं कि इसका यूज सिर्फ डिजीज के लिए नहीं होता, ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है। शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको लिख लिया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज डाइड किसी भी बीमारी का नाम, या इलनेस, यानी कि कोई भी बीमारी का नाम यहां पे आ सकता है कि ही इज डाइड कैंसर, ही इज डाइड एड्स, ही इज डाइड कोलेरा, यानी कि वो इस बीमारी से, अमुक बीमारी से मर गया। इसके अलावा इसमें ऐसा भी आ सकता है हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख, इट मींस कि वह व्यक्ति भूख से मर गया। इसके अलावा इसमें ये शब्द भी आ सकता है शेम, शेम का मतलब होता है शर्मिंदगी, वह व्यक्ति है वो श्रम के मारे मर गया। इसकी जगह ये शब्द भी आ सकता है ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, कि वह व्यक्ति दुख के कारण मारा गया। और इसकी जगह ये शब्द भी आ सकता है, सॉरी सेम तो मैंने लिख दिया, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं थ्रस्ट, सेम वर्ड तो आ गया। यहां पे अपन लिख सकते हैं थ्री एच आई आर एस टी।
तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी के कारण होती है तो उसमें अब आता हैंग्री भूख के कारण होती है तो भी अब आता है, सेम शर्मिंदगी के कारण आती है तो भी अब आता है, प्यास के कारण आती है तो भी अब आता है, और ग्रीफ के कारण होती है तो भी उसमें अब का यूज होता है। तो ये तो जो रूल थे अब के लिए दोनों बड़े इंपॉर्टेंट थे, कॉज ऑफ डेथ यानी मृत्यु का कारण बताने के लिए प्रीपोजिशन अब का यूज किया जाता है। अब मैं आपको कुछ फिक्स प्रीपोजिशन जिनका यूज हमेशा से होता है, जिन जिन वर्ड के साथ अब का यूज होता है वो वर्ड आपको लिखाता हूं। जैसे कि एक शब्द मैंने लिखा, फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा बता दूं। जैसे कुछ वर्ड होते हैं जिसे अपन हमेशा लिखते हैं ना अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के बाद हमेशा हम टू लिखते हैं। जैसे कभी कभी लिखते हैं बिकॉज, बिकॉज के बाद हम अब लिखते हैं। इनका मतलब हुआ है कि जो जैसे डूइंग वर्ड होता है DUE, इसके बाद हम टू लिखते हैं। तो ये जो अकॉर्डिंग वर्ड है कभी अकेला नहीं आता, इसके साथ टू आता है। बिकॉज अकेला नहीं आता, इसके साथ अब आता है। डूइंग अकेला नहीं आता, इसके साथ टू आता है। इस प्रकार जो अपना अब है वो है, ये भी कुछ वर्ड के साथ कंटिन्यू आता रहता है, इनका यूज होता है, उसको बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। तो वो मैं आपको लिखा रहा हूं, आप कॉपी में पेन लेकर तैयार रहिएगा, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने पहला शब्द लिखा एफेड, और यानी जहां भी आप एफेड शब्द लिखोगे उसके साथ हमेशा आपको ओ वर्ड मिलेगा। जैसे मैंने लिखा एस्मर्ड, एस्मर्ड के साथ हमेशा ओ है। मैं एग्जांपल के द्वारा भी समझाऊंगा, इनको आप नोट करते रहिएगा। जैसे मैंने लिखा बिहेवियर, इसके साथ भी आपको हमेशा अवर्ड मिलेगा। जैसे मैंने लिखा प्राउड, प्राउड इसके साथ आपको अवर्ड मिलेगा। जैसे मैंने लिखा जेल्स, इसके साथ भी आपको अवर्ड मिलेगा। शायद इनको आप नोट डाउन कर लिया, अगर नहीं किया तो लिख लीजिए। मैंने लिखा है एफ्रेड आओ का इंगित होता है भयभीत होना, एफर्ट आउ का हिंदी अर्थ होता है भयभीत होना। मैंने लिखा एशमेड आउ यानी शर्मिंदा होना। मैंने लिखा बिहेवियर आउ यानी कि सावधान रहना। मैंने लिखा प्राउड आउ यानी कि गर्व करना। मैंने लिखा जेल्स आउ यानी कि किसी से ईर्ष्या करना, किसी से घृणा करना, नफरत करना। एक दो वर्ड और है मैं लिखा देता हूं। एक होता है फुल आउ, फुल आउ, फुल आओ यानी कि फुल आउट का होता है कोई चीज का पूर्णतः भरा हुआ ना। एक होता है एक्यूज्ड आओ, एक्यूज्ड आओ ये होता है किसी चीज का दोषी होना। तो ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जिनके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आओ रहता है, इन वर्ड के साथ आपको हमेशा प्रीपोजिशन आओ मिलेगा। आपको बेटा ये याद करना है, सभी जितने भी स्टूडेंट्स 10वीं 12वीं में है उनको मैं चैप्टर ये 12वीं क्लास का करवा रहा हूँ। जैसे लिखा एफेड आओ भयभीत होना, एसमेड आओ शर्मिंदा होना, बिहेवियर आओ सावधान रहना, प्राउड आओ यानी कि गर्व करना, जेल्स आओ ईर्ष्या करना, फुल आओ भरा हुआ ना, एक्यूज्ड आओ किसी चीज का दोषी होना। अब इनका एक दो का एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया यू मस्ट बिहेवियर सनेक्स, और यहां पे मैंने ऑप्शन दिया आउ ऑफ विथ इन। आपको देखना है यू मस्ट बिहेवियर सनेक्स। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको बिहेवियर वर्ड मिलता है तो बिहेवियर के बाद हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है यानी अव आता है। अगर एफरेट आता है अव आएगा, अगर प्राउड आता है ऑफ आएगा। इसके अलावा और भी मैंने लिखा है, जैसे फुल आता है अव आएगा, कि आपको हमेशा सर्पों से सावधान रहना चाहिए अव आएगा। इसका एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, एक एग्जाम्पल और बताता हूं।
मैंने लिखा दिस पॉन्ड इज फुल फिशेज, यानी कि दिस पॉन्ड इज फुल फिशेज, वर्ड दिया ऑफ फ्रॉम और एक दे दिया एट। आपको ध्यान रखना है कि जो फुल वर्ड है, फुल जो शब्द है, वो अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या रखता है, और रखता है दिस पॉन्ड इज फुल ऑफ फिशेज, कि ये तालाब मछलियों से भरा हुआ है। इस प्रकार अपन इन फिक्स्ड प्रीपोजिशन को भी यूज में लेते हैं। और का एक यूज लास्ट और आपको बताता हूं मैं। हमने बात की थी सोर्स यानी कि उत्पत्ति की, ओरिजिन की, कि उत्पत्ति बताने के लिए हम ऑफ का भी ऑफ का भी यूज करते हैं और फ्रॉम का भी यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड लिखा मैंने सोर्स, इसके लिए मैंने कहा था कि इसमें ऑफ भी आ सकता है, इसमें फ्रॉम भी आ सकता है। अंतर यह है कि जिस मूल वस्तु से कोई वस्तु बनेगी, अगर वो मूल वस्तु उस वस्तु में दिखाई देती है अव आएगा, अगर दिखाई नहीं देती है फ्रॉम आएगा। बट मैं बात कर रहा हूं इंसान की, यानी कि लोगों की। जो इंसान होता है उसकी उत्पत्ति बताने के लिए अव या फ्रॉम का यूज नहीं होता, उसके लिए हमेशा एक फ्रेजल वर्ब बनी होती है। उसका फ्रेजल वर्ब होती है वो कम अव, कम अव। इंसान की उत्पत्ति बताने के लिए, ओरिजिन बताने के लिए हमेशा कम अव का यूज होता है। जैसे ही कम्स ए पुअर फैमिली, ये वर्ड फॉर ही, यानी मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, नॉन पर्सन की। कम्स ए पुअर फैमिली, मैं बताना चाह रहा हूं कि इस अमुक व्यक्ति का जन्म गरीब परिवार में हुआ, तो इसकी जो उत्पत्ति है वो संबंध एक गरीब परिवार से है। तो इंसान की उत्पत्ति बताने के लिए हमेशा आता है कम अव, यानी कि उसमें न तो फ्रॉम आता है